इस दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्ट्री मारा जाता है वो है डायरिया की वजह से, यानी सफेद जो लेटरिन पोल्ट्री करते हैं उसके वजह से। तो इसको आप लोग कम कैसे करोगे? अगर आप लोग चाहते हो कि आपका पोल्ट्री कभी भी ना मरे वाइट डायरिया से, तो आप लोगों को क्या करना है फर्स्ट टाइम से? तो आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ ये जो वाइट डायरिया वो आता कैसे है। अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म के अंदर छोटे जगह पर आप लोग पोल्ट्री रखे हुए हो, ज़्यादा जगह नहीं है, छोटे जगह पर रखे हुए हैं, तो क्या होगा, पोल्ट्री फार्म के अंदर गैस बनेगा, जगह छोटा है, पोल्ट्री ज़्यादा टट्टी करेगा, वहीं पर ज़्यादा मतलब अमोनिया गैस जो वो ज़्यादा बनेगा। उसके कारण क्या होगा, पोल्ट्री जितने भी सांस लेगा वहाँ से अमोनिया गैस उसके अंदर जाके पेट के अंदर से एक वाइट तरह सफ़ेद कलर का गैस जो है पोल्ट्री छोड़ देता है, और उसके बाद वाइट डायरिया आ जाता है पोल्ट्री फार्म के अंदर और पोल्ट्रिया जो है वो मरने लगते हैं। वो ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है लोगों का वाइट डायरिया हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्म को साफ सुथरा रखना है, और जो टट्टी होता है वो मतलब ज़्यादा जगह में करें। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जो है पोल्ट्री फार्म के अंदर जितने भी जगह है वो बड़ा कर देना है, छोटे जगह पे आप लोग कभी मत रखिएगा। 1x1 square feet के अंदर आप लोगों को एक पोल्ट्री रखना है, और स्क्वायर फीट के हिसाब आप लोगों को नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा सबको स्क्वायर फीट का जो हिसाब उसको नहीं आता है। तो आप लोग छोटे जगह पर पोल्ट्री रखोगे अमोनिया गैस बनेगा, तभी जो है आपका पोल्ट्री फार्म के अंदर वाइट डेयरी का आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेगा। और एक कारण है पोल्ट्री फार्म के अंदर अमोनिया गैस बनने का, अगर आप जिस जहाँ पर पोल्ट्री फार्म बनाए हैं वहाँ पर जिस दक्षिण से जो है पोल्ट्री फार्म के अंदर हवा एंटर नहीं हो पा रहा है, उसी कारण से पोल्ट्री फार्म के अंदर जितने भी अमोनिया गैसेस बनता है, वैसे तो पोल्ट्री फार्म के अंदर गैस बनता है लेकिन पोल्ट्री फार्म का सिस्टम ऐसा है कि हवा इधर से अंदर आए और इधर से चला जाए, और जितने भी अंदर पोल्ट्री फार्म के अंदर अमोनिया गैसेस है वो डेली निकलते जाए, ठीक है, तभी जो है पोल्ट्री फार्म के अंदर वाइट डायरिया नहीं आता है। और नहीं तो आप लोग देखते हो कि पोल्ट्री ने सफ़ेद लेटरिन किया, देखते हैं कि 2-3 मर गया, उसके बाद दवाई लाते हो, उसके बाद खिलाते हो, और 2-3 मर जाते, तो ऐसा आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। उसके लिए आप लोग क्या करो, पहले से ही वाइट डेयरी का दवा खिला दो और घर को एकदम क्लीन रखो, और हवा आप लोग देखना है कि ऐसी जगह पर फार्म बनाओ ताकि हवा दक्षिण से आके जो जितने भी अमोनिया गैस है वो निकाल के बाहर चला जाए और आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर वाइट डेयरिया ना आए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और वैसे तो मैं पोल्ट्री फार्मिंग का ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ अलग अलग जगह पे जाके, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, अभी आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ पोल्ट्री फार्म के रिलेटेड, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।